असी देर नहीं लानी, फटोफट खिंचना काम नू। शबाज शरीफ, और तेनू तो मंगना भी आता, जा के आता मैनू यार पैसे दे दो, अल्लाह का नाज मैं पैसे दे दो। और शबाज शरीफ, खुदा का खौफ करो, क्या हो गया तुम्हें? हर जगह जाके पाकिस्तान की बेइज्जती कराते हो। इमरान खान साहब भी हर जगह से मैं कहते हैं इसका दिमाग नहीं काम कर रहा। असल में इन्होंने कभी अपनी जेब से, इसने सारे टब्बर ने कसम खाई है, ऐसा खर्चा नहीं कर रहा। खर्चा कराना है जो सबसे बड़ी डिमांड है ना 2209 हलके की, मैं आज यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी सुन ले, अगले हफ्ते तक तमाम को मालकाना हकूक दे दिए जाएंगे। और जो अभी डिमांड की है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की, 40 से न्याय साहब कहने लगे, याद न्याय साहब कहने लगे ये मेरे बच्चों की तरह है, और फैसल भी, क्योंकि दोनों मोनस के बड़े करीबी दोस्त हैं, और कहने लगे 100 बेड, मैंने कहा 150 बेड देंगे आप। लेबर रूम भी, ट्रामा सेंटर भी बनाने का, और DHO खानेवाल गर्ल्स डिग्री कॉलेज इंशाल्लाह देंगे, और आपके हॉस्पिटल को पहली दफा MRI दे के जा रहा हूँ। MRI जहानिया और कच्चा खूह में बहुद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का सब कैंपस बनाने का भी ऐलान किया जा रहा है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाने का भी ऐलान हो रहा है। जहानिया में चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया जाएगा। रोहाडा बस को जहानिया और ठट्ठा साहब का बाद तक चलाया जाएगा। और जहानिया में 11 PHQ को एम्बुलेंस देने का ऐलान करता हूँ। PP 209 के तमाम PHQ को एम्बुलेंस देने का ऐलान। ठट्ठा साहब का बाद को सीवरेज सिस्टम के लिए 20 करोड़ की मंजूरी दे। जहानिया में 1122 मोटरसाइकिल्स एम्बुलेंस भी इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। और 209 में 100 किलोमीटर मेट्रो रोड आपको देख जा रहे, 100 किलोमीटर। और ये जितने करोड़ की भी बनेगी इंशाल्लाह ये मेट्रो रोड आपको देंगे। और साथ ही साथ जहानिया 50, हाँ पानी के लिए अभी डिमांड की थी यहाँ अयाज खान नियाली साहब ने, 50 फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी तौर पर इंशाल्लाह ताला शुरू कर दिए जाएंगे। यहाँ आपके पास आके यकीन जानिए दिली खुशी इसलिए हो रही है कि मैं जाके पूछा कि हाल रहा है, मैं 15 साल बाद देखो अल्लाह ताला की कितनी करम नवाजी है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो पसंद भी नहीं करते थे ला के बैठा दिया एज ए वज़ीर आला। वो इसलिए दिया अल्लाह ताला ने क्योंकि हमारी नीयत को तो अल्लाह जानता है, बंदे नहीं जानते। उनको पता था ये अल्लाह की खास करम नवाजी हुई है कि मैंने जहाँ से गरीबों का काम छोड़ा था, उनके बच्चों की मुफ्त तालीम छोड़ी थी, किताबें छोड़ी थी, और जो जनूबी पंजाब की बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं उनका वजीफा, अब मैंने क्योंकि तालीम BA तक कर दी है बच्चियों की और बच्चों की, और तमाम बच्चियों को डबल वजीफा मिलेगा। पहले 200 मिलता था, अब 400 मिलेगा। और ये जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और नून लीग, इन्होंने कभी आपके लिए कुछ नहीं किया। मुझे दुख ये होता है कि कभी इन्होंने ना आपकी बेहतरी सोची है ना आपकी भलाई सोची है। और इंशाल्लाह ताला एक और मैं किसानों को चीज़ दे के जा रहा हूँ, आप खुश होंगे इंशाल्लाह ताला, और ये फौरी तौर पर अमल होना शुरू होएगा। हर किसान को जिसकी 12 एकड़ से कम ज़मीन है एक फ्री सोलर पंप दिया जा रहा है, फ्री सोलर पंप। दसो पहली बारी बुलाए तो सारा कुछ दे लिया, होगी लाना जे वो आते पे 3 महीने बाद फिर बुला लेना।
इंशाल्लाह ताला मेरी तो दुआ है कि जो कुछ हमारे खजाने में है आपको देने से कमी नहीं आती। और पहले भी जब मैं छोड़ के गया था तो 400 का सरप्लस बजट छोड़ के गया था, और अब इंशाल्लाह ताला ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि आपकी सोच भी वहाँ नहीं जा सकती। ये जो जाके बाहर जाके हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं शहबाज शरीफ, और अब अच्छा ये रोज नक्शा खोल के ना दो तीन बंदों के साथ ग्लोब रख के तो उसके ऊपर बैठ जाता है कि अच्छा रह गए शहर, मैं तो उसे मंगन ही नहीं गया। ये फिर जाता है वहाँ पे मांगने के लिए, और आप हैरान होंगे, शर्मुल शेख जो जगह है, वो मुझे तो यकीन करें ये भी कमाल कोइंसिडेंस है। शर्मुल शेख जहाँ वहाँ जा कर भी शहबाज शरीफ को शर्मुल शेख में भी शर्म नहीं आई, वहाँ भी इसने हाथ फैलाया। और मुझे तो ये लग रहा था जब इसने मांगना शुरू किया ना करते करते, मैंने कहा जी आखिर तो इन्हें कहना जी मेरे टिकट भी दियो मैं घर जाने, ये इनके करतूत है। दो सौ दस पे एक और ऐलान कर रहा हूँ आपकी खुशखबरी के लिए, 100 किलोमीटर जहानिया की पक्की रोड 210 में दे के जा रहा हूँ, 210 हल्के में। और यकीन करें ये जो लोग, ये जो हुक्मरान आगे सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए आते हैं उनके काम में कभी बरकत नहीं होती, ये रोते ही रहेंगे और ये लोगों से मांगते रहेंगे। और ये भी मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे मांगने वाला नहीं, क्योंकि मैं तो समझता हूँ सिर्फ मांगता मैं अल्लाह से हूँ, मुझे देने वाला बनाया है। और मैं जहाँ जाऊँगा मैं दे के आऊँगा आपको और काम शुरू करा के आऊँगा और पैरा दूँगा इस बात का कि जो मैंने ऐलान किए हैं इसको मुकम्मल भी करें। और ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए हमने कॉलेज आपको ज़्यादा दिए हैं, बाकी के आपके हलके में और भी इंशाल्लाह ताला देंगे। और मैं आपको बता दूँ कि कायदे आज़म के बाद इमरान खान जैसा लीडर आपको मिला है तो आप शुक्र किया करें अल्लाह ताला का और उसकी ज़िंदगी की दुआ करें। और कायदे आज़म के बाद ऐसा लीडर पैदा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि एक और काम आपकी हुकूमत ने किया है पीडीआई के साथ जो मिलके हम हुकूमत कर रहे हैं, आपके पाकिस्तान का मतलब का क्या वो तो आपको पता ही है ना, ला इला इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह। और हमने एक ऐसा काम किया है कि बच्चों के लिए पहली से पाँचवीं तक नाजरा और उसके बाद फिर बारहवीं तक ये बाकायदगी के साथ सबक पढ़ाया जाएगा कुरान शरीफ तर्जमे के साथ, ये बच्चियों के स्कूलों में, अगर वो बच्चे पास नहीं होते तो आगे यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, आगे डॉक्टर नहीं बन सकते, आगे इंजीनियर नहीं बन सकते। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये दीन की बरकत है कि हमारे सारे काम मुश्किल से काम हो रहे हैं। और जब हमने अपने दीन को मजबूत कर लिया, फिर आपको शिकस्त नहीं हो सकती, कोई भी काम उठा लें मुश्किल से मुश्किल उठा लें। और इमरान खान का साथ दें, ये वाइज लीडर है कायदे आज़म के बाद जब आया है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसकी क्यादत में पाकिस्तान वो तरक्की करेगा, पाकिस्तान का वो नाम होगा और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी जो सहूलतें दी हैं और पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है इसकी कदर होगी बाहर के मुल्कों में। और हम इंशाल्लाह ये जब सारी सहूलतें आपको मिल जाएंगी तो आपको अंदाज़ा नहीं कि आपके अंदर कितनी खुशहाली आएगी, आपके देहातों में खुशहाली आएगी, आपके घरों में खुशहाली आएगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम पहली दफ़ा वेलफेयर स्टेट बना रहे हैं,
और आपकी जो जो बोझ है जिसको समझते हैं, तालीम का बोझ है, फिर नौकरी का बोझ है, वो इंशाल्लाह ताला आपकी हुकूमत जो है ये पीटीआई की इमरान खान साहब की आदत में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है ये इंशाल्लाह ताला आपको ये सारी चीज़ें मुहैया करेगी। और मेरा आपसे वादा है कि ये देने के बाद इलेक्शन से पहले मैं यहाँ आपके पास हाजिरी दूंगा और ये भी पूछूंगा कि मेरी तरफ से ये चीज़ें आ गई हैं, बाकी आप इलेक्शन में आपने ऐसी मार देनी है।